हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मीडिया। मीडिया के बेनिफिट्स क्या हैं, मीडिया का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर और उसमें एक टीचर का रोल क्या है। तो ये है ब्लॉक 3 जिसकी यूनिट 8 है, मीडिया, ऑल अबाउट मीडिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीडिया होता क्या है, तो मीडियम की प्लूरल फॉर्म है मीडिया, मतलब एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं बच्चों के लिए, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिनमें से हम कुछ लिमिटेड ही हैं जो हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। लेकिन हाँ जी, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट है। तो ऑल अबाउट मीडिया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है लिटरेसी स्किल। बच्चों की जो लर्निंग है लिटरेसी स्किल को लेकर ये मीडिया बहुत ईजी बना देता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गेम्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं जो उनकी लिटरेसी स्किल यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल को काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक फ़नी वे में बना देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूमेरेसी स्किल। तो न्यूमेरेसी स्किल को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। वही सारे ऐप्स हैं जिसमें बच्चा काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, शेप, साइज़, इन सब से फैमिलियर हो जाता है। तो जिससे बच्चा इन सब को इन्जॉय करने लगता है और धीरे धीरे बिना उसके पता चले ही वो न्यूमेरेसी स्किल में भी इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, शेयरिंग, गिविंग अवे, टेकिंग लीड, कुछ इस टाइप की बिहेवियर टर्म हैं जो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं बाय यूजिंग मीडिया। तो ये होती कैसे हैं, वही सारी गेम्स देखिए, अगर वो खेल रहा है तो आपस में वो किसी फ्रेंड के साथ खेलेगा जिससे उसमें सहयोग की भावना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इसकी भावना मतलब डेवलप होने लग जाती है। वो शेयर करने लग जाता है चीज़ों को, मतलब गिव अवे करना लग जाता है, लीड करने लग जाता है किसी भी काम में। जैसे अगर उसको वहाँ पर भी मतलब गेम से ये चीज़ सीखने को मिल रही है, और उसके बाद क्या होता है जिससे वो धीरे 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 सोशल स्किल को भी एक्वायर करने लग जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ जी, तो ये बच्चे में डेवलप इजीली हो जाती है। वो जितनी गेम्स खेलता है उसका माइंड मतलब डेवलप होने लग जाता है। ऐसे नहीं कि हर समय उसी में ही लगा रहे, लेकिन कुछ एजुकेशनल ऐप्स और कुछ गेम्स ऐसी हैं जो उसका क्रिटिकली थिंकिंग को भी डेवलप कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लर्न फैमिली वैल्यूज, अडॉप्ट देम एंड एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। देखिए, कुछ सीरियल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं, उसे धीरे धीरे अडॉप्ट करना सिखाते हैं और ख़ुद को एडजस्ट करना सिखाते हैं बाय ऑब्जर्विंग दूसरे पे लोगों की नीड और उनके इंटरेस्ट को। तो ये सब होता है कुछ क्विजेस से, गेम से, सीरियल से और जो एजुकेशनल ऐप्स हैं उन सब से भी। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि क्ले मॉडलिंग, ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। हाँ जी, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो बच्चा बाय बर्थ भी मतलब कुछ क्रिएटिविटी के साथ मतलब पैदा होते हैं कुछ बच्चे, तो उनकी क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो और मतलब डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे ऐप्स या कुछ वीडियोस मीडिया के थ्रू बच्चे देखते हैं जिससे वो उनमें और स्पार्कलिंग करने लग जाते हैं, और बाय यूजिंग क्रिएटिव आर्ट्स, क्ले मॉडलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब टर्म में। नेक्स्ट जो है डेवलप करते हैं ऑनलाइन एटिक्वेट्स एंड सोशल स्किल्स। तो ये चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती हैं कि कैसे पीपल को मतलब डील करना है, कैसे एटिक्वेट सीखने हैं, कैसे सोशली हम मतलब जो है स्किल को ग्रैप करने हैं, ये सब चीज़ें ऑनलाइन मीडिया जो है उनको सिखा देता है। गेट एक्सेस टू वेरियस इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो मीडिया है वो एक मतलब कह सकते हैं ह्यूज लाइब्रेरी है। अपना जिस बच्चे को अपने फ्यूचर करियर को बनाना होता है वो इन्फॉर्मेशन ग्रैप करने की कोशिश कहीं ना कहीं से करता रहता है। जैसे कि कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मीडिया उसके लिए बहुत हद तक बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक्सेस करता है काफ़ी सारी वेबसाइट्स को, चैनल्स को, तो जिससे ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है बच्चों के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट जो है जिससे कैन इम्प्रूव देयर जीके। तो देखिए, ऐसा होता ही है, जो बच्चा कुछ भी सीख रहा है अगर मतलब वो उसको लर्निंग है, इन्फॉर्मेशन वो ग्रैब किए जा रहा है, लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो वो ईजिली अपनी जीके को भी, जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करता है, और वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ईजिली रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है लर्न गुड मॉरल बिहेवियर्स बाय वॉचिंग सीरियल्स। तो देखिए, सीरियल्स भी होते हैं, ऐप्स भी होते हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें मीडिया है
जिसके थ्रू बच्चा क्या है अपने आप में गुड वैल्यूज़ डेवलप करना शुरू कर देता है, उसके सिग्निफिकेंसेस भी मतलब धीरे धीरे पेरेंट्स को या टीचर्स को नज़र आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प देम टू लर्न इंडिपेंडेंटली वेल कम्युनिकेशन दे हैव। देखिए जब वो मीडिया से खुद ब खुद सीखने लगते हैं तो वो मतलब अपने आप से ही सीखना शुरू कर देते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से करने लग जाते हैं, फन बहुत ही फनी वे में वो उसको सीखते हैं और फन मतलब उसको करने में उनको सबको इन्जॉय आता है, वो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं और ग्रो अप भी इजीली उस चीज़ के साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, गेन एक्सेस टू सिग्निफिकेंट एजुकेशनल क्रिएटिव आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मीडिया से पा सकते हैं, अगर ये सब ना होता, इंटरनेट वगैरह या बाकी चीज़ें ना होती तो शायद ये सब पॉसिबल भी नहीं था, एक बच्चा इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीख पाए। नेक्स्ट है देखिए एग्जांपल दिया हुआ, एक्सेस टू ऑनलाइन बुक्स, पिक्चर, ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड म्यूज़िक एनेबल्स देम टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। अगर देखिए सोचिए कुछ समय पहले की ही बात है जब इंटरनेट, जब से रिलायंस जियो मतलब अंबानी ने फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू किया उसके बाद ही मीडिया से लोग इतना जुड़ना शुरू हुए, इंटरनेट इतना यूज़ करने लगे हैं, पहले कहाँ इतनी चीज़ें होती थी। तो आजकल मीडिया इतना हेल्पफुल हो रहा है बच्चों को हर चीज़ एक्सेस कराने में, ऑनलाइन वो पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन वो कोई वीडियो भी देख सकते हैं, कोई टॉपिक स्कूल में हुआ उसको भी आकर वो रिविज़न कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद दे नेवर फील आइसोलेटेड, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हाँ जी कुछ करना है तो वो मतलब फ़ोन चला कर बैठ जाते हैं, मीडिया का यूज़ करने लग जाते हैं, तो जिससे उनको कोई अकेलापन फील नहीं होता। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, कुछ बेनिफिट्स थे मीडिया के। अब है उसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। देखिए इम्पैक्ट जो है बच्चों पर वो दो तरीके से डाल रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में है सबसे पहले लर्निंग, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो इंटरनेट है, जो मीडिया एक ह्यूज लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है ऑन नेट, तो जिससे वैल्यूएबल लर्निंग बच्चे को होती है और वो इजीली काफ़ी सारी चीज़ें ग्रैब कर लेता है, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज ले लेता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, तो देखिए बच्चा फिजिकली वीडियोस देखते, अब आप सोचेंगे फिजिकली कैसे डेवलप कर रहा है, तो वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर भी और काफ़ी सारी जगह पर भी, जहाँ से बच्चा सीख कर खुद को फिजिकली भी फिट रख सकता है, मेंटली भी स्टेबल रख सकता है और सोशली भी बहुत कुछ स्किल जो हैं वो डेवलप खुद में कर लेता है। और जिन चीज़ों से जैसे अगर फिजिकली है तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है, बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे वो बच्चा सोशली मेंटली फिजिकली अपने आप को फिट रखने लग जाता है। नेक्स्ट है अवेयरनेस, तो बच्चा अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है, चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि भाई उसको अवेयरनेस हो रही है काफ़ी सारी चीज़ों की। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन, टीवी शोज़ देखकर, प्रोग्राम्स देखकर, अपने आप में अपने अंदर गुड थिंग्स डेवलप करके बच्चा सोशलाइज्ड हो रहा है और सोसाइटी में रहने लायक जो भी स्किल्स मैंडेटरी हैं वो उनको धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो है कैन बी मीडिया क्रिएटर्स नॉट जस्ट कंज्यूमर, देखिए जो क्रिएटिविटी है बच्चे, कुछ बच्चे सीख रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे एडोलेसेंट भी हैं जिन्होंने इन्हें क्रिएट किया है, तो ये सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है, ये क्रिएटर्स भी हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है लेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ बिताने का, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से पैदा हो जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट मेक पीपल मोर एम्पैथेटिक एंड मेंटेन्स लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, जैसे वो गेम खेल रहे हैं, ऐप्स चला रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, तो उनमें एक एम्पैथेटिक वाली फीलिंग आ जाती है, वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप है वो भी मेंटेन हो रही है। वो कैसे, पहले कहाँ फ़ोनों पे वीडियो कॉल्स होती थी तो मतलब दोस्ती कुछ टाइम बाद अपने आप ही छूटने लग जाती थी, लेकिन आजकल वीडियो कॉल्स ने, फ़ोन्स ने, मीडिया ने इतना ये सब कुछ इतना ईजिली एक्सेस कर दिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी, फ्रेंडशिप भी काफ़ी हद तक मेंटेन हो रही है। नेक्स्ट है अब देखिए बच्चे को नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा ही करेगा और किसी के भी सामने जो है वो जाकर अपनी बात रख सकता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो सबसे पहले बिहेवियर में बच्चों की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखकर वो मतलब टीवी से एग्रेशन बिहेव करने लग जाते हैं, बात बात पर इरिटेट होने लग जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया। नेक्स्ट है ओबेसिटी, देखिए नंबर ऑफ आवर्स वो क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं और बस खाते रहते हैं, जो फिज़िकली उनको बहुत ही लेथर्जिक यानी आलसी बना देता है, जिससे वो ओबेसिटी की तरफ लीड करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत बुरा इम्पेक्ट डाल रही हैं उन पर। नेक्स्ट है सेक्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, जो भी चीज़ें किसी को दिखाई जाती हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रिंट्स जो हैं वो उनके डेलिकेट माइंड पर छोड़ ही जाते हैं, तो और मीडिया में तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये सब सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल हैं, तो बहुत ही बेसिकली उनको ये लगता है कुछ नहीं है यार, जो अल्कोहल लेते हैं, ये करते हैं, स्मोक करते हैं, लेकिन वाकई देखा जाए तो इनका नेगेटिव इफेक्ट बहुत पड़ता है हमारी बॉडी पर भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वायलेंस,
वायलेंस में वही आ जाता है कि एग्रेसिव बिहेव कुछ चीज़ों को देखकर बच्चा करने लग जाता है, क्योंकि होता क्या है, एडोलेसेंट जो एज होती है वो वैलिडेशन और कंफर्मेशन की डिमांड करती है, मतलब उनको जो डिनायल मिल जाए तो उसका बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अननोन साइट पर अननोन पीपल से जाकर कुछ ना कुछ मतलब बातें करने लग जाते हैं और उनसे मतलब कुछ भी वैलिडेशन या कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, और वो जो उन्हें कहते हैं, तो इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें वायलेंस जो हैं वो बच्चे के बिहेव में काफ़ी चेंज लेकर आती हैं। नेक्स्ट जो है, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए, अगर पूरा टाइम बच्चा फ़ोन पे लगा रहेगा, मीडिया के साथ लगा रहेगा, ओवर एक्सपोजर होगा मीडिया से, तो उसकी एकेडमिक स्किल तो पुअर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है पुअर पीयर रिलेशनशिप। दोस्तों से थोड़ा कह सकते हैं कि ऑनलाइन वालों के साथ आ रहा है, लेकिन जो रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा गैप होता रहता है। बच्चा फैमिली की बजाय फ़ोन को ज़्यादा टाइम दे रहा है, मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ सोशल आइसोलेशन। फ़ोन के साथ इतना जुड़ना, मीडिया के साथ इतना जुड़ना, उसको बाकी सब चीज़ों से अलग कर रहा है, खुद में अलग नहीं फील होने दे रहा, लेकिन फिर भी और जो लोग हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो सोशली जो है वो आइसोलेट होता ही जा रहा है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी एंड एंटी सोशल डिसऑर्डर। एंटी सोशल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। एंग्जाइटी मतलब कुछ भी चीज़ें हों वो इतना, मतलब जैसे एक फैमिली है, अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करे तो चीज़ें उनको समझ आती हैं, लेकिन खुद ब खुद मीडिया यूज़ करना और मीडिया पे जो भी मतलब गलत इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, उस पर खुद में एंग्जाइटी फील करना, लोगों के कमेंट्स से खुद को दुखी करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं और एक पर्सन पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं। नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। देखिए, जो टीवी पर या फ़ोन पर या कहीं भी जो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती हैं वो जंक फूड या अनहेल्दी फूड की भी होती हैं, जिससे बच्चा भी थोड़ा डिमांडिंग होने लग जाता है और उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करने लग जाता है, जिससे बैठे बैठे वो ओबेसिटी और काफ़ी सारे हेल्थ इशू से सफ़र करने लग जाता है। दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप तो होगा ही, अगर घंटों रहेंगे आंखें थकी थकी रहेगी, नींद का खो जाना, स्लीपिंग जो डिफरेंस है वो हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है उन चीज़ों की, एंग्जाइटी फील करते हैं, तो ये सब ड्यू टू मीडिया ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो मीडिया की नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत है, तो बस ज़रूरत है तो टीचर पेरेंट्स को अपना अपना रोल निभाने की। तो यहाँ पे हमने बात की है टीचर के क्या रोल्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स के भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर के रोल की। देखिए, सबसे पहले टीचर का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मीडिया से कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, जैसे उनके बिहेव में चेंज होने लग जाता है, कंसंट्रेशन वो खो देते हैं, सोशली खुद को विदड्रॉ कर लेते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं, तो मतलब फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन होने लग जाती है, सेल्फ परसेप्शन मतलब नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन होने लग जाता है। तो अगर ऐसा कुछ बिहेवियर में चेंज अगर टीचर को दिखाई देता है तो उसको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, और उसको साथ साथ बच्चों को सलाह देनी चाहिए, एक राइट गाइडेंस देनी चाहिए, जिससे वो बच्चा अपने आप पर इतना इम्पेक्ट ना डाले। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट देयर वर्ड्स, एक्सेप्ट देयर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, मेक देम करेक्ट इफ़ रॉन्ग। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे की अपनी सोच होती है, हर बच्चे की अपनी मैंटालिटी होती है, तो उनको मौका दिया जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं वो सुना जाए और उनके वर्ड्स को रिस्पेक्ट किया जाए। नहीं तो कुछ बच्चे इस चीज़ को देखकर अगर आप लोग उनका मजाक बनाएंगे या कुछ भी है कोई भी टीचर, तो बच्चा शाइनेस फील करेगा और अगली बार वो अपनी बात कहने से डरेगा और कह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए टीचर का बहुत ज़रूरी है उनके वर्ड्स को रिस्पेक्ट करना, उनको एक्सेप्ट करना, अगर वो गलत हैं तो उनको बहुत ही पोलाइट वे में करेक्ट भी करना। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, शेप्स द यंग माइंड। देखिए, ये तो है ही, एक टीचर को मतलब स्टूडेंट्स को हर चीज़ बतानी चाहिए, एडवर्स इफेक्ट क्या है मीडिया के या फिर और चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वो एक यंग माइंड को शेप कर रहे हैं। उनको अगर बच्चे अंडर अचीवर होने लग रहे हैं तो उनका बहुत ही ज़रूरी है उसके एडवर्स इफेक्ट को, मीडिया के एडवर्स इफेक्ट को बताना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि इसी से बच्चे का जो यंग माइंड है वो शेप होने वाला है। नेक्स्ट है राइट एंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस। देखिए, टीचर गाइड कर सकती है क्वालिटी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, एनकरेज कर सकती है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो बेस्ट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उनको डाउनलोड करके एक्स्ट्रा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकती है, जिससे क्रिएटिविटी भी फॉस्टर उनमें होने लगेगी। और उसके बाद मतलब टीचर एक तरह से बच्चों को ड्रीम्स को विंग्स दे देती है और उनमें एनर्जी को चैनलाइज कर देती है एक राइट डायरेक्शन में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और टीचर का इनमें रोल मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑनलाइन वर्सेस रियल टाइम आइडेंटिटी। देखिए क्या है, कहानी बताते हैं, एक किस्सा है, एक लड़की थी जो अपने आप में चुप चुप रहने लग जाती है, किसी से बात नहीं करती और मतलब काफ़ी इरिटेट सी होने लग जाती है अगर उससे कोई बात करता है। तो जब उसको रीज़न पता चला पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने काफ़ी मतलब साइकाइट्रिस्ट वगैरह से बात की और पीछे जब उसको रीज़न पता चला तो उन्होंने देखा कि भाई
वो लड़की सोशल मीडिया पे अपनी मतलब एक साइट बनाकर या उसमें अपनी पिक्चर्स अपलोड करती है, जिसपे काफ़ी बुरे बुरे कमेंट्स आए हुए हैं, और उन्हीं के ही ओपिनियंस को मतलब से मतलब खुद को ऑब्जर्व करती है, खुद में एक नेगेटिव जो सेल्फ इम्पेक्ट है उसका पड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक टीचर का रोल होना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों को समझाए, चिल्ड्रन को बताए कि एक ऑनलाइन लाइफ में और एक रियल टाइम आइडेंटिटी में बहुत फ़र्क होता है। उससे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से अपनी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट ना डालें, क्योंकि जस्ट दैट इज़ जस्ट अ फेक समथिंग आप कह सकते हो, कोई भी रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और अगर हम खुद में ही नेगेटिव फील करेंगे तो हम शायद अपने आप के ही काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं खुद ब खुद क्रिएट करने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेक रेगुलर डायलॉग्स। हाँ जी, देखिए कहा जाता है कि बच्चे का चरित्र बनाना, करेक्टर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए उनसे काफ़ी मतलब बातचीत करते रहिए, उनको अच्छी चीज़ें बताते रहिए और गलत से दूर रखते रहिए, ताकि बच्चा पहले ही अवेयर हो जाए हाँ जी ये सही है उसके लिए और ये नहीं है। नेक्स्ट है सेटिंग अप रूल टाइम। रूल टाइम बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए पहले ही टाइम सेट कर दिया जाए कि दिस 2 आवर्स फॉर मतलब मीडिया एंड 2 आवर्स फॉर स्टडी, जिससे उनको ये लगेगा हाँ मेरे पास इतना ही टाइम है तो मुझे इतनी ही देर इसको खेलना है, और बच्चे की लाइफ भी थोड़ी डिसिप्लिन हो जाएगी। नेक्स्ट है सेंसिटिव, अंडरस्टैंडेबल एंड टॉलरेंट। ये तो एक टीचर के फीचर हैं जो उसमें होना बहुत ज़रूरी है। उसे सेंसिटिव भी होना चाहिए, एम्पैथेटिक वाली फीलिंग भी रखनी चाहिए ताकि वो दूसरों की फीलिंग अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, टॉलरेंट भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे वाला ही बिहेव करेंगे, तो इसलिए टीचर टॉलरेंट हो, काफ़ी पेशेंस से बच्चों को डील करे। नेक्स्ट है टेल दम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीडिया इफ रिक्वायर्ड। ये हमने पहले ही बताया, अगर ज़रूरी है बच्चा मतलब गलत तरीके से मीडिया को यूज़ कर रहा है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल होती है, अगर वो उनको कुछ भी कह देती है तो बच्चे खुद ब खुद मानने लग जाते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा एक बच्चा टीचर की सुनता है, तो काफ़ी मतलब मस्ट है आप लोगों के लिए एक टीचर के लिए बच्चे को किस मीडिया के एडवर्स इफेक्ट ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट है पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन। देखिए टीचर बहुत हेल्प कर सकता है, जैसा हमने ऑनलाइन वर्सेस रियल टाइम जो आइडेंटिटी वाले एग्जांपल में देखा था कि बच्चा खुद में ही नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन ले रहा था, तो टीचर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर कि वो बच्चों को गाइड करे और उनको खुद में ही पॉजिटिव फील कराए, उनकी क्रिएटिविटी जो उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको मतलब ड्रॉन आउट करे और उन्हीं से बच्चे को कॉन्फिडेंट फील कराए। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।